नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की बुद्धाफुट श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकृति ने हमें जो सब्जियां दी है उसमें करेला एक ऐसी सब्जी है जो पौष्टिकता से भरपूर है, लेकिन इसके कड़वेपन की वजह से लोग इसे नापसंद करते हैं। आज हम बुद्धाफुट्स में एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं, खट्टा मीठा करेला। जो लोग करेले को ना भी खाए उनके मुँह में भी पानी आ जाएगा। चलिए दोस्तों, बनाते हैं खट्टा मीठा करेला। चलिए दोस्तों, बनाते हैं खट्टा मीठा करेला। उसके लिए हमें चाहिए करेला, प्याज, इमली, गुड़, तिल, धनिया। तड़के के लिए हमें चाहिए उड़द दाल, सरसों, साबुत लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर, हींग और तलने के लिए तेल। पहले हम इमली को भिगो के रखते हैं ताकि वह सॉफ्ट हो जाए। और अभी हम सब्जियों को काटेंगे। मैंने एक पाव करेला लिया है, एक पाव करेले के लिए दो प्याज। पहले प्याज को काटेंगे। करेले को भी काट के रख देते हैं। जब भी आप करेले खरीदें वो बाहर से ऐसा थोड़ा डार्क कलर में होना चाहिए, ऐसा वाला लीजिए, वो ज़्यादा कड़वा नहीं होगा। इसके लिए कोई भी साइज का करेला यूज हो सकता है। खाली ये देखिए कि करेला फर्म हो। तो अभी हो गया है, अभी हम इसको पकाएंगे। इसके लिए हम थोड़ा ज़्यादा तेल लगेगा, 3 टेबल स्पून लेंगे। इसमें हम डालेंगे उड़द दाल, सरसों, लाल मिर्च का टुकड़े और हींग। पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज अच्छी तरह फ्राई होने के बाद करेले को डालेंगे। हल्दी, अभी नमक डालकर इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। Thank you.
इस रेसिपी के साथ मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो लोग करेला अभी तक नहीं खा रहे हैं वो ज़रूर खाएंगे। अभी अच्छी तरह फ्राई हो गया है, अब ये करेले डालेंगे। और अभी थोड़ा नमक डालकर करेलों के लिए, अभी इसको पकने के लिए रख देते हैं। धीमी आंच पर पकने देंगे। इसके लिए हमें चाहिए तिल का पाउडर और धनिया पाउडर। इसको फ्राई करके रख देते हैं बीच में। इसको निकाल लेते हैं। ये भी अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है धनिया को, क्योंकि इसका फ्लेवर चला जाता है, हल्का सा। अभी इस दोनों को हम ग्राइंड कर लेंगे। जो तिल और धनिया हमने फ्राई करके रखा है इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। करेला अच्छी तरह पकने के बाद हम उसमें इमली का पानी और गुड़ डालेंगे। और थोड़ा पकना है, अभी करेला पक चुका है। अभी इसमें हम लाल मिर्च पाउडर और अभी जो हमने पाउडर करके रखा है तिल और धनिया का, वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। अभी इसमें ऐड करेंगे हम इमली का पानी। Thank you.
अभी हम ये गुड़ को भी डालकर अच्छी तरह से पकाएंगे। खट्टा मीठा और कड़वा का फ्लेवर सब इस सब्जी में है। अभी थोड़ा पानी डालेंगे थोड़ी ग्रेवी अच्छा हो। इस पकने के लिए रख देते हैं। और थोड़ा गाढ़ा होना है तो हमारा करेला सब्जी तैयार है। खट्टा मीठा करेला और एक दो मिनट के लिए पकाएंगे। अभी गाढ़ा हो गया है, अभी गैस को बंद कर देते हैं। खट्टा मीठा करेला तैयार है। खट्टा मीठा करेला तैयार है दोस्तों। ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और हमें अच्छी तरह पता है आपको बहुत पसंद आएगा ये वाला रेसिपी। पत्री सर का फेवरेट तो है ही, आपको भी ये ज़रूर पसंद आएगा खट्टा मीठा करेला। आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बुद्धा फूड्स में बने रहिए। धन्यवाद।